जो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इस पर ज़्यादा टारगेट करेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर पे हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करते हैं जो कि कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले, ठीक। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे नंबर वन पे तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे नंबर वन पॉइंट पे आपको करना क्या है कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी पब्लिकेशन का आपको क्या करना है, मॉडल पेपर लेना है और उसको सीरियसली बनाना है। यानी टाइम देकर 3 आवर का हमारा एग्ज़ाम होता है, उसमें से आप क्या कीजिए, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स का टाइम देकर अपने से बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। या 3 आवर लगे 3 आवर ले लीजिए और अपने से बनाना स्टार्ट कीजिए, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन जो टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर चीज़ों को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। छोड़ के नहीं आना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। जिस तरह से अभी हमारे पास जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है ना, हमारे पास यहां पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमारे पास 70 ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें 35 बनाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे नंबर वन पे 3 स्टेप में इस 70 क्वेश्चंस को बनाना है। फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, 1 से 2 मिनट, ठीक है ना, ध्यान से 1 से 2 मिनट में सारा 70 क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन हमसे बनने वाले, ठीक है ना। तो इसमें से 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, ठीक, सेकंड पॉइंट में आप इस 35 को क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी इस 35 को क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो अभी भी हमारे पास 35 क्वेश्चन बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। याद रखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है तो ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे सबसे पहले ले लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी 3 आवर का पेपर है आपका तो उसमें 1 आवर ही आपको स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बीच क्या करना है आपको, ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर पे आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन इजी है और कौन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। जो हार्ड है उसमें से 35 को हटा दीजिए, बचा आपके पास 35, ठीक है ना। इस 35 पे फोकस करना है और इसके लिए आपको टाइम देना है, ठीक है ना। यानी अगर आपको आता है तो ऑब्जेक्टिव 30 to 40 मिनट में आपका बन जाएगा, जो टाइम बचेगा। अगर मान लीजिए इस 35 में से भी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बचा हुआ जो 35 है उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने बात कर लिया किसके लिए, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव की। बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है आपके, सब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। सबसे नंबर वन पे 20 नंबर का यानी 20 क्वेश्चन है हमारे पास। ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है ना, बात समझिए। तो 20 में से आपको करना क्या है, 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है आपको, 1-2 मिनट क्वेश्चन को देखना है कौन क्वेश्चन बनने वाला है और कौन क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो उसमें से क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और इन 10 क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, ठीक है ना। अभी 10 क्वेश्चन में कुछ नॉमिनक्लेचर होंगे, ठीक है, कुछ डिफिनेशंस होंगे, जो भी डिफिनेशन लिखिए जिसके बारे में भी पूछा गया है डिफाइन करने के लिए उनका एग्जाम्पल जरूर लिखिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखना है, चीज़ों को क्लियर करके लिखना है, ऐसा नहीं कि रटा हुआ चीज़ को सीधा छाप देना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। उसको एकदम डिटेल में लिखिए, चीज़ों को अपने पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है ना उस तरह से लिखिए, बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन है यानी 10 × 2 = 20 मार्क्स। हमारे पास कितने हैं, 20 मार्क्स के है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। तो इसमें अगर आपने अपने मन से लिखा तो आराम से 20 में 18 नंबर तो आ जाएगा, यानी 20 में आपका 18 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, बात समझ में आ रही है ना। बात करते हैं इसके बाद, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है ना, बात समझिए। सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 मार्क्स के जिसमें से आपको कितने बनाने हैं, 10 क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स का, ठीक है ना, 5 मार्क्स का जो पेपर दिए जाएंगे आपको इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको बनाने हैं कितने, ओनली 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी मैं अगले लेक्चर में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको सब्जेक्टिव के लिए टारगेट करना है, बात समझ में आ रही है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर टारगेट करना है और उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है।
और उसी को याद करके रखना है, ठीक है ना। यहां पर 3 क्वेश्चन को टारगेट, अब देखिए 6 क्वेश्चन और ट्रिक। इसमें बच्चे की कुछ गलतियां होती है, जो पिछले साल के कुछ बच्चे थे उन्होंने क्या गलती किया था कि एक क्वेश्चन में ए और बी दिया रहता है, ए बी सी भी दे सकता है आपके पास, ठीक है ना, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, और दूसरे में भी दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो वो क्या करते हैं कि इसका ए बना लेते हैं और इसका बी बना लेते हैं। गलत नहीं, अगर आप एक क्वेश्चन बना रहे हो तो इसका ए और बी दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, इसका ए और बी दोनों आपका क्लियर होना चाहिए और दोनों ही बनाना है, और ये आ रहा है तो ये भी, ये दोनों ही बनाना है आपको, ठीक है ना। तभी ये 50% मार्क्स रहेगा, और ये 50% यानी 2.5 नंबर का ये रहेगा और 2.5 नंबर का ये रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो इस बात को ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छे बच्चे जो पढ़ने में थे उनका भी गलती हो गया था, जिसकी वजह से उसने ये बनाया था और ये बनाया था, ठीक है ना। हुआ क्या कि एग्जामिनर क्या करता है, दोनों नंबर को कंसिडर कर लेता है, उसने सोचा कि ये बनाया और ये बनाया, तो 2.5 नंबर यहां से, 2.5 नंबर यहां से, अब बाकी जो आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, उसने 3 ही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और आपका क्या हो गया, मतलब नंबर कट गया, ठीक है ना। तो इसको टारगेट करना है 1-2। सोचिए, अरे कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना, इतना पढ़ाया गया हुआ है, कुछ तो याद होंगे ना, तो 3 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और 3 क्वेश्चन पे ज्यादा आप लोग ज्यादा दिमाग मत खटाइए, क्या कीजिए, जो आता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अगर इस मेथड से अगर आप बनाते हो ना, तो 70 में 65+ नंबर लाने की मेरी गारंटी इन सब्जेक्टिव पेपर। बात समझ में आ रही है ना, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल में तो आ ही जाएगा, सभी ने बता दिया हुआ है, ठीक। यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए करना क्या है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है ना, तो इसमें आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो नोमेनक्लेचर में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ज्यादा टारगेट कीजिए, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप को एकदम याद कर जाइए पूरी, जो मैंने डेटा लिखवाया है आप लोग को, जो नोटबुक में लिखाया गया है, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या कीजिए आप लोग याद करिए, क्योंकि आपका नोमेनक्लेचर के सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, समझिएगा, यानी 10 क्वेश्चन आपके पास सीधे ऐसे आएगा कि बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कौन सा है, आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है ना, तो आपको बताना रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है। और अगर सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहां से ऑर्गेनिक में 5 नंबर का आपके पास नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है ना, एकदम बेसिक नोमेनक्लेचर रहेगा, बस समझिएगा, ठीक। फिर आपके पास लगभग 5 या 2 नंबर का, 2 मार्क्स का देगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे दे देगा फिनॉल, पूछेगा फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या आपसे नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, अपन ने इतना पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं। अगर फिर भी देखिए टेंशन लीजिएगा तो बोर्ड में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। यहां पर देखिए, क्योंकि मैंने आप लोग को गेस पेपर दिया है, गेस क्वेश्चंस कराया हुआ है, और उसी क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक। यहां पर स्ट्रक्चर पूछेंगे, फिर आपसे कभी कभी ना, ये हो गया हमारे पास, अब फिर 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्जन का, कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन में कोई बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है ना। जो जिस तरह से आपको कन्वर्जन 4 से 5 रिएजेंट बताया गया है, उसी 5 रिएजेंट पे पूरा कन्वर्जन ऑर्गेनिक का मूव करता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसा। अब फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन दे देगा वाई वाला, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पास वाई वाला देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, वाई वाला क्वेश्चन भी दे देगा। जैसे वो ऐसा पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड लेस एसिडिक होता है देन किससे, फॉर्मिक एसिड से, ठीक है ना, वाई, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से ये क्वेश्चन दे देगा, तो इसमें थोड़ा सा टारगेट करना है, लगभग लगभग इसमें थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बढ़ाया गया हुआ है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बढ़ाया गया हुआ है तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग के पास एक ऑप्शन है कि अगर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक है तो उस पर टारगेट दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में नंबर कटने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, और लिखना कम पड़ता है, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को तो फिक्स है भाई, क्या चीज, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर क्लियर करके रखिए, ठीक है ना। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब ऑर्डर कैसा होता है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, तो उनको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। अब रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक और, आप लोग सभी लोग एक्टिव रहिए यूट्यूब पे, ठीक है ना,
और जो जूम पे क्लासेस चल रही है उस पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए, थोड़ा सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है ना। इसमें कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि टारगेट करना होता है, ठीक। उसके बाद फिजिकल में तो हमने बता दिया, ऑर्गेनिक के अंदर ये सारा चीज है, और इनऑर्गेनिक में करना कुछ नहीं है, उसमें वाई से रिलेटेड जैसे NH3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बट NH5 एग्जिस्ट नहीं करता है वाई, ये सारा का सारा हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, या PH5P ऐसे भी कह सकते हो ना कि PCl3, यहां पर समझिएगा PCl5 ले लीजिए, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 इज डज नॉट एग्जिस्ट वाई। तो ये सारा क्वेश्चन को मैंने जो करवाया हुआ है बस नोटबुक में से पढ़ते रहिए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ते रहिए। मैं क्या करता हूँ, जब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, मतलब इसी के कल या परसों, मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा कन्वर्जन का, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन उसका डालूंगा, सभी लोग अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे और उसी को जाकर बढ़िया से लिखना है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, पहला जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए, जब पहला पेपर खत्म हो तो जो सेकंड पेपर हो, समझिएगा, पहला पेपर खत्म होते ही हाथ मुंह धोइए, साफ उफ कीजिए और क्या कीजिए, आप लोग स्टडी करने बैठ जाइए, बात समझ में आ रही है ना, अगले पेपर के लिए, क्योंकि आपको बीच में कोई गैप नहीं दिया गया है, बात समझ में आ रही ना। और ऐसे बच्चे जो CBSE के हैं उनके लिए भी जल्द वीडियो आया, क्योंकि उनके लिए अभी समय है, ठीक है, चलिए, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा, तब तक बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक।